हेलो दोस्तों, एसीटीक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आज हम बात करेंगे एसएससी के नए रूल के बारे में, यूएफएम के बारे में, कि ये क्या होता है, क्यों अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और ये क्यों अभी विवादित स्थिति में है, या इसको लेकर के हल्ला क्यों मचा हुआ है। कई बच्चे इस वजह से अभी सीएचएसएल 2018 के एग्ज़ाम में कई बच्चे इस रूल की वजह से अच्छे नंबर लाते हुए भी वो फेल कर दिए गए हैं। तो ये वास्तव में ये होता क्या है और इसको लेकर के इतना हंगामा क्यों मचा है, हम सब कुछ जानेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे यूएफएम के बारे में, जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन कई बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं भी पता होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो अभी से जान लें कि यूएफएम क्या होता है, ताकि आने वाले समय में कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आइए देखते हैं हमारी एकेडमी के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए शुरू करते हैं। देखें अभी क्या हुआ, हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया 2020, मतलब अपडेट है अभी 2018 का रिजल्ट आया फरवरी में। तो उसमें क्या हुआ कि 4,560 बच्चे अनफेयर मींस रूल, यूएफएम जो होता है उसके तहत फेल कर दिए गए हैं। 4,560 बच्चे क्यों फेल किए गए हैं, कैसे फेल किए गए हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए रिजल्ट आया है, ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, 2018 में टीयर टू का रिजल्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कैसे कैसे बच्चे पास किए गए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ और एलडीसी वगैरह में काफ़ी बच्चे पास किए गए हैं। कुल 32,600 बच्चे पास हुए हैं। 4,560 बच्चे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड केस अंडर यूएफएम, तो 4,560 बच्चे रिजेक्ट किए गए हैं। तो इतने बड़ी संख्या में, और ये बच्चे अच्छे नंबर लाए हुए थे, इनसे तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन पास किए गए बच्चों से काफ़ी अच्छा नंबर लाया हुआ था, लेकिन फिर भी इनको 0 नंबर मिला हुआ है। ऐसा क्यों है वो अभी हम जानेंगे। पहले हम एसएससी के बारे में जानते हैं। देखिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक सी बात होगी, लेकिन जो बच्चे फ्यूचर में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या जो मूड बना रहे हैं और या जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी इस रूल के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। तो एसएससी के बारे में आपको जानना होता है। एसएससी देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक। अब एसएससी में क्या होता है कि कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन मेजर जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो होते हैं, सीएचएसएल और सीजीएलई। तो सीजीएल और सीएचएसएल दो मेजर एग्ज़ाम होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के द्वारा। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। तो ये जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है 10+2 लेवल का, वो सीएचएसएल होता है। जो ग्रेजुएट लेवल का होता है वो सीजीएल कहलाता है। लाखों बच्चे, 30 से 40 लाख बच्चे हर साल सीएचएसएल या सीजीएल की एग्ज़ाम परीक्षा में फॉर्म भरते हैं। कम से कम 30 लाख तो अकेले सीएचएसएल की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं हर साल की बात है। तो लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। क्या होता है कि सीएचएसएल का अगर पैटर्न की बात करेगा, इसके पैटर्न की देख लेते हैं, तो 3 टीयर में होता है। पहले में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फिर तीसरा टीयर होता है स्किल टेस्ट। अभी जो रिजल्ट आया है 2018 का, वो टीयर टू का आया है। तो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है टीयर थ्री में। अगर हम सीजीएल की बात करें तो सेम ऐसे ही, पहले में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सेकंड में टीयर में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर थर्ड टीयर में वही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फोर्थ में स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होगा, ठीक। तो 4 टीयर यहाँ पर सीजीएल में होते हैं। अब क्या हुआ है कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड है ये जो रूल है यूएफएम, वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड रूल है। अब क्या होता है कि लेटर राइटिंग के लिए हमको बेसिक फॉर्मेट में हमको नाम और एड्रेस लिखने की ज़रूरत पड़ती है बेसिक फॉर्मेट में, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ऐसा होता है कि इमेजिनरी नेम का यूज करना होता है, जैसे ABCXYZ या कुछ भी अपनी आंसर कॉपी में। और पहले तक ऐसा होता है आया है कि जिन बच्चों ने इमेजिनरी नेम का यूज किया था एसएससी के और सीएचएसएल के आंसर में कुछ समय पहले तक 2017 तक, उनको काफ़ी अच्छा मार्क्स दिया गया था। यहाँ तक कि टॉपर की कॉपियाँ भी आरटीआई के थ्रू जब बच्चों ने देखा तो
उनको अच्छा नंबर दिया गया था, तो कई सारे बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो लास्ट ईयर के टॉपर होते हैं उनको फॉलो करते हुए उन्हीं के जैसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, अचानक से रूल में चेंज आया। अब 2018 का जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ Tier 2 का, उसमें 29 सितंबर को हुआ था, कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, और 25 फरवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम आया था, रिजल्ट आया था, और 32,600 बच्चे पास किए गए हैं। ठीक, अब UFM क्या होता है, UFM अनफेयर मीन्स होता है, और इसमें क्या होता है, अनफेयर जो UFM रूल लाया गया था उसका यूज किया गया है एग्ज़ाम में चीटिंग को रोकने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस रूल की वजह से कई सारे अच्छे बच्चे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, जिन्होंने जो चीटर नहीं है और उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी जानकारी के अभाव में वो 0 नंबर पा रहे हैं और फेल किए जा रहे हैं। अब क्या है कि उनको दोष नहीं दिया जा सकता, अगर बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने नोटिफिकेशन देखा हुआ है पहले से, नोटिफिकेशन में नॉर्मल ही था, लेकिन ये UFM रूल अचानक से लाया गया था एग्ज़ाम के टाइम पे ही, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर फॉलो किए, जो टॉपर थे उनका उनकी कॉपी फॉलो की, तो उसमें यही था जो उन्होंने जो जो चीज़ें उन्होंने किया था, इन्होंने उस बात को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी फेल कर दिए जा रहे हैं। पहले रूल में क्या था कि कैंडिडेट शुड नॉट राइट देयर पर्सनल आइडेंटिटी इन इन द आंसर बुक, पहले यही था कि आंसर बुक में अपना कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बताना है, जैसे कि नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी होती थी, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं लिखना होता था जिससे आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पता चले। अब क्या हुआ, न्यू रूल में क्या हुआ, अचानक से क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा दे दिया गया था कि सेम चीज़ें लिखी हुई थी, सेम बातें लिखी हुई थी, लेकिन उसमें एक ब्रेकेट में दे दिया गया था बोथ रियल एंड इमेजिनरी, मतलब दोनों चीज़ों को नहीं लिखना है। बच्चे यहाँ पे इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए, उनको लग रहा था कोई नाम नहीं लिखना है, इमेजिनरी नेम नहीं लिखना है, सतीश, रवीश, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, उन्होंने ऐसा नहीं यूज किया। अब उसमें से जो बच्चे फेल किए गए हैं 4,560, उन्होंने XYZ या एड्रेस में कुछ भी डाल दिया, ABCD काखा गाखा कुछ भी, 1 2 3, तो इसकी वजह से उनको फेल कर दिया गया। यहाँ पे एक कॉपी है, क्या किया गया है, इस बच्चे ने इसको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यू आर शिवानी अस्यू, रेजिडेंट ऑफ CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। अब इसको केवल डालना था CGO कॉम्प्लेक्स इस UFM रूल के द्वारा, लेकिन इसने 150 डाल दिया, क्योंकि इसके हिसाब से CGO कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकता, कोई हाउस नंबर होगा, कोई रूम नंबर होगा, कुछ एक लोकेशन इसने मार्क किया 150। अब ये चीज़ जो थी वो प्रीवियस ईयर में यानी 2017 में एकदम करेक्ट थी, सही बात मानी गई थी, लेकिन इस बार क्या किया गया, इसके लिए इसने क्या किया, इसको मिला 66 मार्क्स, लेकिन ये देखिए आप इसको मार्क करके UFM एड्रेस कर दिया, मतलब UFM एड्रेस 0 मार्क्स, मतलब इसने एक इमेजिनरी नंबर 150 यूज किया, इस वजह से इसको 0 मार्क्स दे रहा है। अब हम देखेंगे तो इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इसने चीटिंग की और इसने अपना एक कोड 150 कोड छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसको 0 दिया जा रहा है। ऐसा उस बच्चे ने नहीं किया होगा, लेकिन SSC की नज़र में ऐसा हो रहा है, UFM में यही होता है, माना जाता है कि इसने एक अपना पासवर्ड छोड़ा है चीटिंग करने के लिए, तो इसलिए इसको 0 मार्क्स दिया गया। यही सेम क्वेश्चन पिछले ईयर के जब पहले पूछा गया था, टॉपर का जब कॉपी RTI के थ्रू निकाला गया, उसने 50B ब्लॉक लिखा हुआ था, 50B ब्लॉक CGO कॉम्प्लेक्स, और इसको पूरा मार्क्स दिया गया था, ये टॉपर था, ये पिछले साल तक सही था, लेकिन इस बार इसी चीज़ के लिए 150 करने के लिए इसको 0 मार्क्स दिया गया। एक और कॉपी देखिए, 56 CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, तो 56 को गोला कर दिया गया है, इसको 60 मार्क्स मिले हैं, इसके बावजूद इसको UFM एड्रेस करके 0 नंबर दिया गया है, वही 56, यानी मान लिया गया कि इसने एक कोड का इस्तेमाल किया या इमेजिनरी एड्रेस का यूज किया, तो UFM रूल लगता है और इसको 0 मार्क्स मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 0 नंबर दिया जा रहा है, अगर उसमें लिखा है कि कोई भी ना इमेजिनरी ना रियल, कोई भी आप नाम नहीं यूज कर सकते, तो मतलब नहीं यूज कर सकते, केवल जितना क्वेश्चन पेपर में, अगर CGO कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसके साथ अगर लिखा होता 56 CGO कॉम्प्लेक्स तब आप लिख सकते थे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं लिख सकते, वरना आपको 0 नंबर मिलेगा। अब इसमें एक्सपर्ट की क्या राय है, एक्सपर्ट की ये राय है, कई सारे लोगों की ये राय है कि देखिए जो जो CGL या CHSL 17 का हुआ था, 16 का हुआ था, उसमें इन्हीं चीज़ों के लिए
इन्हीं इमेजिनरी एड्रेस के लिए, इमेजिनरी नेम के लिए, ABC ऐसा कुछ करने के लिए उनको अच्छे मार्क्स दिए गए थे, गुड नंबर, अच्छे नंबर दिए गए थे और बच्चों ने उसी को फॉलो किया। अब अगर SSC की इसमें गलती क्या है कि अगर SSC कोई नया रूल लाता है तो उसको मॉडल आंसर कॉपी लानी चाहिए, तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे, उनका ध्यान जाएगा बच्चों का कि हमको इसको फॉलो करना है। जब बच्चों के पास कोई मॉडल आंसर कॉपी नहीं है तो मानी सी बात है कि वो पिछले साल के टॉपर की कॉपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर पिछले साल का टॉपर सेम चीज़ के लिए अच्छा नंबर लाता है तो उनको ये लगता है कि इसी चीज़ के लिए मुझे भी अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर 4,560 बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने केवल थोड़ी सी गलती की वजह से उनको 0 नंबर दिया गया है, जबकि उनका 66 या 60 नंबर आ रहा है और वो अच्छे नंबर से पास हो रहे थे, उसके बाद भी उनको फेल किया गया है। खैर, इन बच्चों ने अपना ऑब्जेक्शन दिया हुआ है और इस पे SSC ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो इस पे विचार कर रहा है, उनसे उनका जो भी मैटर है उससे रिलेटेड विचार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि मैटर सेटल कर दिया जाए, बच्चों के साथ जो भी होगा देखा जाएगा आने वाले समय में क्या किया जाता है। कुल मिला के मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सचेत हो जाएं। अगर वो CHSL, MTS या CGL जैसी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव उनको देना है तो वो इस बात को याद रखेंगे, अगर UFM रूल लगा है तो कोई भी इमेजिनरी नेम नंबर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ताकि वो बच्चे भी समझ सके और आने वाले समय में गलती ना करें। और हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।